अब उन दिनों में ये वाक्य ऐसा अटपटा सा लगता था। अभी अभी पश्चिम में भी कुछ विचारवंत लोगों को ऐसा लगा कि यश साहित्य जो पश्चिम का है उसका अध्ययन करना चाहिए। तो स्टीफन कोवे एक अच्छे विचारवंत है, उन्होंने 200 साल का अमेरिकन यश साहित्य पढ़ा। वहां का यश साहित्य 200 साल का है। उन्होंने ऐसा बताया कि इस यश साहित्य के दो हिस्से होते हैं। पहले महायुद्ध तक, महायुद्ध समाप्ति तक एक हिस्सा, लगभग वैसा तो एकदम कट एंड ड्राई ऐसा नहीं कहा जा सकता, किंतु ब्रॉडली पहला महायुद्ध समाप्त होते तक एक हिस्सा, उसके बाद दूसरा हिस्सा। पहले हिस्से में जो यश साहित्य आता था उसमें स्वयं श्रेष्ठ कैसे बनना, अच्छे गुण अपने अंदर कैसे लाना, आत्मविकास कैसे करना, इस पर आग्रह रहता था। दूसरा हिस्सा जो भी पिछले 70 साल से आ रहा, इसमें स्वयं वास्तव में श्रेष्ठता कैसे संपादन करना, इस पर आग्रह नहीं है। तो मैं श्रेष्ठ हूं ऐसा मैं दुनिया को कैसे बता सकता हूं, इसके लिए जो तरकीब करनी पड़ती है, जो चालाकियां करनी पड़ती है, जो हथकंडे अपनाने पड़ते हैं, कैसे करना, तो स्वयं श्रेष्ठ बनना यह बात नहीं, स्वयं को श्रेष्ठ बताना, प्रोजेक्ट करना, डेल कार्नेजी टाइप, इस तरह का यह दूसरे कालखंड का यश साहित्य ऐसा उन्होंने कहा। पहले कालखंड के यश साहित्य को उन्होंने नाम दिया कैरेक्टर एथिक, दूसरे को नाम दिया पर्सनैलिटी एथिक। और इस कालखंड में जितना चरित्र साहित्य भी पश्चिम में निर्माण हुआ उस पर यह पर्सनैलिटी एथिक का परिणाम हुआ है, क्योंकि स्वयं श्रेष्ठ कैसे बनना यह चिंता का विषय नहीं रहा, हम श्रेष्ठ है ऐसा दुनिया को कैसे बताना यह चिंता का विषय रहा, जिसको प्रतिमा निर्माण कहते हैं, इमेज बिल्डिंग कहते हैं। और उसके कारण केवल साइकिल के ट्यूब में मोटर के पंप से हवा भरते जाना, इस तरह का चरित्र लेखन वहां शुरू हुआ। इसके कारण जितने चरित्र लिखे गए उसमें वास्तविक व्यक्तित्व कर्तृत्व का संपूर्ण सम्यक संतुलित दर्शन ये भी होना संभव नहीं रहा, और नेतृत्व के गुणों का मूल्यांकन ये भी होना संभव नहीं रहा। ये बात अब पश्चिम के लोगों के ख्याल में आ रही है।